दोस्तों, आज हम न्यू हेजर में काम करने जा रहे हैं। इसमें हम अपना अल्फा 2 सीरीज का फैब्रिक लगा रहे हैं आइस ग्रे में। ओरिजिनल पैटर्न लिया है दोस्तों कस्टमर ने, और आइस ग्रे लिया हुआ सिंगल कलर, और साइड में एक ब्लैक कलर की पाइपिंग दी है सिर्फ एक टेक्सचर देने के लिए, एक डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए दोस्तों। और नीचे की फ्लोरिंग भी की है हमने आइस ग्रे में, और डिक्की मैट भी डाला है वो ब्लैक के ऊपर आइस ग्रे की स्टिचिंग ली है दोस्तों। अब हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, आपको काम दिखाएंगे कि कैसा हमने कैसा हम काम कर रहे हैं, उसके बाद फिटिंग के बाद दिखाएंगे आपको कि क्या हमारी गाड़ी में जो हमने सीट को लगाया उसका लुक कैसा है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे हम काम कर रहे हैं दोस्तों। देखिए ये अल्फा 2 फैब्रिक है जिसमें हमने फुल आइस ग्रे एंड पाइपिंग को ब्लैक रखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए। और ओरिजिनल पैटर्न लिया है, कोई डिज़ाइन इसमें नहीं दिया, जैसा कंपनी का शेप आता है सेम उसी शेप में काम कर रहे हैं। ये बैक साइड से भी देख लीजिए दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं कि जो सेंटर की सीट है मीन्स बैक सीट का, उसके पीछे हम लोग पूरा कारपेट लगाते हैं दोस्तों, देखिए। और सेम मैचिंग कारपेट लगाते हैं। मैक्सिमम आपने देखा होगा जो लास्ट सीट का है जो डिक्की से दिखता है ये पार्ट, यहाँ पे क्लिप कर देते हैं, बाकी पूरा छोड़ देते हैं। हम पूरी कारपेटिंग करते हैं बैक साइड से, ये देखिए। और हेडरेस्ट भी देख लीजिए, इस पर भी पाइपिंग किया है, और साथ में कट टू कट बनाया है दोस्तों। ये देखिए फाइबर लगाएंगे, ना कि कोई पॉस्टिक लगाएंगे, ना बॉन्ड लगाएंगे, पेस्ट करेंगे, ये डायरेक्ट क्लिप हो जाएगा जैसा कंपनी का होता है। अब कहीं पे भी इसमें आपको चैन नहीं मिलेगा दोस्तों, ये देखिए साइड से देख लीजिए, इधर भी आपको चैन नहीं मिलेगा, जिससे इसकी फिनिशिंग डबल हो जाती है दोस्तों। तो साथ में आइस ग्रे की फ्लोरिंग भी करने वाले हैं, ये देखिए ये फ्लोर लेमिनेशन है, इसको भी हम लगाएंगे। कट टू कट है दोस्तों, इसमें सीट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा वेलक्रो है और बॉक्स है, ओरिजिनल बॉक्स है दोस्तों। फिटिंग के बाद दिखाएंगे इसका लुक कैसा आ रहा है दोस्तों। देखिए ये कंपनी का सीट है जिसके ऊपर एक फैब्रिक का कपड़ा लगाया हुआ है, सिर्फ 2 mm का फैब्रिक है दोस्तों। ये देखिए ये है इसका फैब्रिक, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी फॉर्म नहीं डाला जाता है, 2 mm का लेमिनेशन होता है सिर्फ। ये इसी डिज़ाइन पर हम अपना लेदर का लगा रहे हैं जिसमें हम 14 mm का फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये देखिए ये थिकनेस आता है जिससे इसका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। और ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिया है कंपनी ने, सिर्फ ये फैब्रिक लगा के दिया है दोस्तों। ये भी देख लीजिए दोस्तों। फाइनली हेरियर का काम कंप्लीट हो चुका है, आपने देखा कि हमने कैसा उसका काम किया है, किस तरह से हमने उसका काम किया है। कार कंप्लीट हो चुकी है, चलिए आपको कार में दिखाते हैं कि उसका फाइनली लुक कितना ज़बरदस्त आया दोस्तों। मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप लोग बताइए कि कैसा लुक आया है। चलिए कार में दोस्तों, हेरियर का काम कंप्लीट हो चुका है, चलिए दिखाते हैं आपको कैसा काम हुआ। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त काम हुआ है, कितनी ज़बरदस्त फिटिंग आई है,
और कितना प्रीमियम लग रहा है दोस्तों वो देख लीजिए आप लोग। सिंगल कलर लिया है कस्टमर ने। फिनिशिंग देखिए दोस्तों, किस फिनिशिंग में काम हुआ है वो आप देख लीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है, तब जाकर ये रिज़ल्ट आता है दोस्तों। ये देखिए फिनिशिंग देखिए, कहीं पे भी एक रिंकल नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। फिनिशिंग देखिए दोस्तों, एकदम टाइट है। पाइपिंग की फिनिशिंग देखिए, यहाँ से लेके हेडरेस तक। दोस्तों इस साइड से ड्राइवर साइड का भी देख लीजिए, फिनिशिंग देखिए, टाइम लगता है दोस्तों लेकिन रिजल्ट दिखता है। ये वापस से मैं आपको दिखा दूँ, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों बनाने में, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देखिए कि हमने काम कैसा किया या हम काम कैसा करते हैं दोस्तों, वो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी फूका हुआ नहीं है, कहीं पे भी रिंकल नहीं है। और ये जो सीट का जो शेप है दोस्तों, ओरिजिनल पे ही रखा हुआ, देखिए कहीं पे भी एक रिंकल नहीं दिखाई देगा। ये बहुत ही टिपिकल है, इसको एंगल पे लेना दोस्तों, ये हैरियर में भी टिपिकल है और सफारी में भी टिपिकल है दोस्तों। लेकिन हमने देखिए कितना प्रॉपर लिया, कहीं पे भी साइड में कोई रिंकल नहीं दिख रहा है वो आपको। ये देखिए साइड में भी देख लीजिए दोस्तों, अंधेरा होने वाला था इसलिए मैंने जल्दी में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। अभी आर्मरेस्ट का काम चलने वाला है, इसके ऊपर भी हम लेदर लगाने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस साइड से भी देख लीजिए, फिनिशिंग देखिए, बैक साइड से भी देख लीजिए। ये हर पीस जैसा कंपनी का आता है उस हिसाब से हम अलग अलग करके बनाते हैं दोस्तों। कहीं पे भी इसमें हेडरेस में आपको चैन नहीं मिलेगा, ना इस साइड से मिलेगा ना इस साइड से मिलेगा, एकदम प्लेन ओरिजिनल के जैसा बनाया है दोस्तों। ये सीट भी देख लीजिए आप लोग, ये देखिए दोस्तों, और इस साइड से इधर की भी सीट देख लीजिए दोस्तों। टाइम लगता है, टाइम लगा दोस्तों लेकिन रिजल्ट देख लीजिए आप लोग, किस फिनिशिंग में काम हुआ है वो देख लीजिए। दोस्तों ये हमारी ब्रांडिंग है ट्रूफिट, हर एंगल से दिखाता हूँ दोस्तों ताकि आपको पता लगे कि हमने काम कैसा किया है। दोस्तों फाइनली ड्राइवर साइड का देख लीजिए, फिनिशिंग देखिए दोस्तों, आपको आइडिया लग रहा होगा कैसा काम किया है हमने। दोस्तों अब आप लोग बताना कि हमने काम कैसा किया है, क्या लुक उठा है आया है सीट कवर का कार के अंदर। फ्लोरिंग भी देख लीजिए दोस्तों, आइस ग्रे की ही फ्लोरिंग की है हमने दोस्तों, ये देखिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।